डियर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इस चैप्टर में मोशन के बाद जो हमारा चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं। न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम स्टडी कर चुके हैं और अब हम उसी सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस को देखेंगे। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम न्यूटन का सेकेंड लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं। इससे पहले कि हम न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन की बात करें, प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का सेकंड लॉ होता क्या है। ठीक है, तो न्यूटन के सेकंड लॉ में बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होता है, फोर्स अप्लाइड, वो होता है चेंज इन मोमेंटम एंड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। ठीक है, और बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो टाइम टेकन है, ठीक है, इसको मैं फोर्स से लिख देता हूं, कंप्लीट फोर्स। ठीक है, नीचे अगर टाइम आ जाए तो उसको हम रेट कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो ये चेंज इन मोमेंटम है, यानी मोमेंटम में जो चेंज होता है, दिस शुड बी इन लार्ज टाइम। अगर आपको ये फोर्स कम चाहिए तो टाइम ज्यादा होना चाहिए, मतलब टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स होगा कम। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो न्यूटन का सेकंड लॉ हम कहां कहां अप्लाई करते हैं, तीन एप्लीकेशन हैं जो मेजर हैं, ये आपने याद रखनी है। फर्स्ट है अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड्स। ठीक है, एक क्रिकेट प्लेयर जो होता है वो अपने हाथों को पीछे ले जाता है, कब, वाइल कैचिंग अ बॉल, किसी बॉल को कैच करते वक्त। आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट के अंदर प्लेयर होता है, जिसको हम फील्डर भी कहते हैं, वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। उससे पहले हम दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। दूसरी एप्लीकेशन है कि जो हाई जंपिंग एथलीट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड किए जाते हैं क्या, या तो क्यूशंस यानी जो गद्दे होते हैं, और हीप ऑफ सैंड, या फिर कोई मिट्टी का ढेर होता है जिसके ऊपर वो जंप कर सकें। ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन में आता है। और थर्ड जो आपने याद रखना है वो है कार जो होती हैं उनमें सीट बेल्ट जो है वो दी होती हैं। ठीक है, कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स, ऑल कार्स आर प्रोवाइडेड विद सीट बेल्ट्स, सभी जो कार होती हैं उनमें सीट बेल्ट होती है। ठीक है, तो अगर मैं इनका रीजन आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों होता है कि क्रिकेट प्लेयर जो है वो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे ले जाता है, या फिर जो हाई जंपिंग एथलीट्स होते हैं उनको हम क्यूशन क्यों देते हैं या हीप ऑफ सैंड क्यों देते हैं जंप करने के लिए, और सारी कारों के अंदर सीट बेल्ट क्यों दी होती है, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो होगा इन तीनों का जवाब एक दे सकता है। वो जवाब हो सकता है टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, चोट लगने से बचने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो एक क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे ले जाता है चोट लगने से बचने के लिए, यानी टू प्रिवेंट इंजरी। एक हाई जंपिंग एथलीट जो है वो क्यूशंस के ऊपर इसलिए आके गिरता है ताकि उसको इंजरी ना हो। हार्ड ग्राउंड के ऊपर अगर वो आके गिरेगा तो जाहिर सी बात है इंजरी होगी। और सभी कार्स जो हैं उनको सीट बेल्ट दी होती है, ये भी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए होता है, टू प्रिवेंट इंजरी। ठीक है, लेकिन अगर साइंस स्टूडेंट से ये बात पूछी जाए, इसका प्रॉपर रीजन पूछा जाए, तो बच्चों सिर्फ इतना नहीं है टू प्रिवेंट इंजरी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा क्यों होता है। तो देखिए,
आपने याद रखना है कि जो बॉल आ रही है उस बॉल का जो मोमेंटम है वो बड़ा फास्ट है, और जो हाई जंपिंग एथलीट यहाँ पे है इसका मोमेंटम बड़ा फास्ट है, और कार जो तेजी से चल रही है इसका मोमेंटम भी बड़ा फास्ट है। कोई चीज़ जिसका मास है और जिसकी कुछ ना कुछ स्पीड है उसमें क्या होता है बच्चों? मोमेंटम। और सभी का मोमेंटम आपने याद रखना है, जब कोई ऑब्जेक्ट फास्ट मूविंग से रेस्ट पे आता है तो उसका मोमेंटम धीरे धीरे क्या हो जाता है? जीरो। अब ये जीरो होने में टाइम लेता है, ये ध्यान रखिए, मोमेंटम जीरो होने में टाइम लेता है। हमने करना क्या है कि ये जो जीरो होने में टाइम ले रहा है ये टाइम जो है ये हमने ज्यादा करना है। अगर आप ये गैप ज्यादा कर देंगे, टाइम ज्यादा कर देंगे, तो जाहिर सी बात है मैंने आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ बताया था, इट इज कनेक्टेड टू फोर्स। तो जो स्टॉपिंग फोर्स होगा, स्टॉपिंग फोर्स जो इनको रोकने वाला जो फोर्स है वो बहुत कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोमेंटम जीरो होने जा रहा है, जो उसका रिडक्शन जीरो होगा, दिस शुड बी जेंटल, ये जेंटली ऐसा होना चाहिए। जेंटली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे मोमेंटम जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी का जवाब एक ही हो सकता है कि अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, ठीक है, टू इंक्रीज द टाइम। मोमेंटम के जीरो होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को ऐसा करने से हम बढ़ा सकते हैं, इससे जो स्टॉपिंग फोर्स होगा यानी अपने हाथों के ऊपर जो बॉल का लगने वाला फोर्स है दैट विल बी लेस, वो कम होगा, और दिस प्रिवेंट्स इंजरी, इससे इंजरी होने से बचा जा सकता है। हाई जंपिंग जो एथलीट्स होते हैं जो क्यूशंस या हीप ऑफ सैंड के ऊपर आके गिरेंगे, इससे ग्राउंड को टच होने में लगने वाला जो टाइम है यानी मोमेंटम के जीरो होने में लगने वाला टाइम जो है दैट विल बी मोर एंड द स्टॉपिंग फोर्स विल बी लेस, इसलिए उसकी इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं। जो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सीट बेल्ट आती हैं, स्ट्रेचेबल आती हैं, तो जैसे ही मान लिया सडन ब्रेक अप्लाई होते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम आगे की तरफ जाते हैं। ये हमने देखा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, जब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम स्टडी कर रहे थे, व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स तो हमारी जो अपर बॉडी है वो आगे की तरफ जाती है। सीट बेल्ट क्या होती हैं? स्ट्रेचेबल होने की वजह से वो जो मोमेंटम का रिडक्शन जीरो होता है यानी, तो वो जेंटल होता है, इसकी वजह से जो स्टॉपिंग फोर्स है वो कम होता है, तो या तो इंजरी होती ही नहीं या फिर लेस इंजरी होती है। तो इन सब का आंसर अगर लिखा जाए तो इन सब का आंसर जो है वो सेम ही होगा, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ये भी न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर बेस्ड है बच्चों। प्रॉब्लम ये कहती है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, कितना फोर्स लगेगा टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 m/s² इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। 6 kg मास की कोई बॉल है और उसकी स्पीड में हमने चेंज करना है और कितना एक्सेलरेशन पैदा करना है 4 m/s², तो कितना फोर्स लगेगा हमने कैलकुलेट करना है फोर्स। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो होता था उसका फॉर्मूला क्या होता था बच्चों? मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, याद कीजिए, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज एफ, मास इज एम मल्टीप्लाइड बाई ए, ठीक है। तो देखिए मास क्या है, मास बॉल का गिवन है 6 kg, तो 6 × व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए इज 4 m/s², तो फोर्स विल बी 6 × 24 N, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा? F इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू 24 N। इतना फोर्स जो है वो हमें लगाना पड़ेगा अगर इतना एक्सेलरेशन हमने प्रोड्यूस करना है तो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। अभी दूसरे तरीके से न्यूटन के सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉब्लम ये है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ न्यूटन, ऑफ 12 N, 12 N का फोर्स है, तो वो कहता है कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ये फोर्स किस पे एक्सर्ट किया गया है, किस पे लगाया गया है? एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है जिसका मास कितना है? 3 kg, ठीक है। तो हमने निकालना क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन ए निकालना है। गिवन क्या है? फोर्स गिवन है और मास गिवन है, तो वही न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, फोर्स की वैल्यू क्या है? 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम इज 3,
मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए हमें नहीं पता, ये हमने निकालना है। तो ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में था, अगर इधर ले जाएंगे तो 12 के डिवाइड में आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा a, 3 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 3 4 जा 12, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 4, और SI यूनिट जो एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड, दिस इज आवर आंसर। फाइनल आंसर इज एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा 12 न्यूटन के फोर्स से वो होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाकी दोनों लॉ से बहुत इजी है। ठीक है, देखिए अगर आप इस दुनिया में हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, अगर आप किसी वॉल को पुश करेंगे, किसी दीवार को ऐसे धक्का देंगे, तो आप जितना फोर्स वॉल के ऊपर लगाएंगे वॉल उतना ही फोर्स आपके ऊपर लगाती है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वॉल जो है आपके ऊपर रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो आप जो फोर्स, हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज एक्शन, और बदले में जो फोर्स हमारे ऊपर लगता है दैट इज नोन एज रिएक्शन। तो न्यूटन ने ये कहा था कि इट स्टेट्स दैट, ये लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन, इस दुनिया में हर एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होती है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन का फोर्स बराबर होता है। मान लीजिए 12 न्यूटन फोर्स आप कहीं लगाते हैं किसी वॉल के ऊपर, तो बदले में दीवार भी आपके ऊपर 12 न्यूटन का फोर्स लगाएगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए मैंने ये नेगेटिव साइन लगाया है, ये दिखाने के लिए कि ये डायरेक्शन में जो हैं ये अपोजिट हैं। ठीक है, अब अगर इसमें एग्जाम्पल्स आपने देखने हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है वॉकिंग। जब हम चलते हैं, व्हेन वी वॉक, तो हमारे जो फुट हैं दे आवर फीट यू नो पुशेस द ग्राउंड, ठीक है, बैकवर्ड, हम अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं, बदले में ग्राउंड हमारे ऊपर एक फोर्स लगाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पैरों पे, इसलिए हम आगे चल पाते हैं। ठीक है, सेकेंड जो एग्जाम्पल बच्चों हम देख सकते हैं जो कि बड़ा फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, दैट इज रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन यानी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई द गन रिकॉयल्स। अब ये रिकॉयल क्या है, देखिए जो गन होती है, मान लीजिए ये गन है, और मैं थोड़ी बड़ी बना लेता हूं, ये गन है और यहाँ गन से हमने फायर किया, ऐसे फायर किया तो जो बुलेट है इसमें से ये आगे गई। ठीक है, सो ये तो आपकी बुलेट है, बुलेट गोली होती है और ये आपकी गन है। तो क्या आपने ये नोट किया है कि जो बुलेट है वो इधर जाती है, बदले में गन जो है वो पीछे की तरफ ऐसे होती है, जब फायर करते हैं तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे जाती है। ठीक है, इसी को रिकॉयल ऑफ गन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो वो एक्सप्लेन न्यूटन ने कर दिया है अपने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि जितना फोर्स ये गन लगाती है इस बुलेट के ऊपर इसको आगे धकेलने में, बदले में ये बुलेट इसको छोड़ते हुए उतना ही फोर्स गन के ऊपर लगा के जाती है। अब आप पूछेंगे, लेकिन सर ऐसा होता है कि बुलेट जितनी तेजी से आगे जाती है गन उतनी तेजी से पीछे नहीं जाती, मतलब रिकॉयल नहीं करती, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों गन का मास जो है वो बुलेट के मास से ज़्यादा है, गन थोड़ी हैवी होती है, फोर्स तो उतना ही लगता है लेकिन गन जो है वो इतनी दूर नहीं जाती जितनी दूर बुलेट जाती है। ठीक है,
और अगर आपने इसका और एग्जांपल देखना है तो रॉकेट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। रॉकेट्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट्स। तो अगर आपने रॉकेट्स को देखा हो तो रॉकेट जो उड़ते हैं सीधे ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो उसका रीजन यही है कि रॉकेट्स के अंदर जो है वो फ्यूल होता है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह होती है। ये फ्यूल जब बर्न होता है तो हॉट गैसेस पैदा होती हैं, और वो हॉट गैसेस नीचे की तरफ ऐसे प्रेशर लगाती हैं, ठीक है। कौन सी गैसेस होती हैं बच्चों? हॉट गैसेस। तो दीज हॉट गैसेस, ठीक है, दीज हॉट गैसेस अप्लाई प्रेशर ऑन दी ग्राउंड नीचे की तरफ, रिजल्टिंग द रॉकेट टू बी पुश्ड इन दी अपवर डायरेक्शन। तो हॉट गैसेस जो नीचे की तरफ प्रेशर फोर्स लगाती हैं, बदले में इतना ही फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ लगता है और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसको आप बलून वाली एक्टिविटी से समझ सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे अपनी फिजिकल क्लास में। एक फोर्थ इसमें होज पाइप का एग्जाम्पल आता है, होज पाइप। अब ये होज पाइप जो है ये रखते हैं बच्चों ज्यादातर फायरमैन्स, यानी जो आग को बुझाने वाले हैं, अग्निशमन दल, ठीक है, फायर वर्कर्स, वो रखते हैं होज पाइप। तो वो बड़ा सा एक पाइप होता है, उससे वो पानी आगे जाता है, बदले में होज पाइप पीछे की तरफ जो है वो एक फोर्स लगाता है। तो वो भी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और अगर आप देखें तो हॉर्स पुलिंग ए कार्ट हॉर्स पुलिंग ए कार्ट, आपने घोड़े को गाड़ी को खींचते हुए देखा होगा। तो घोड़ा क्या करता है, हॉर्स अपने पैरों से ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुश करता है थोड़ा सा बेंड होके, तो बदले में ग्राउंड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है और वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ चलती है, ठीक है। तो ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर काम करता है, ठीक है, ओके, क्लियर। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। बच्चों ये वर्ड आपको साइंस में बहुत बार मिलेगा कि कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लॉज कंजर्वेशन के आपको मिलेंगे साइंस में, ठीक है। तो कंजर्वेशन वर्ड का मतलब होता है बचा के रखना, यानी मोमेंटम बचा रहता है, ठीक है, संरक्षित रहता है। तो कंजर्वेशन को आप ये कह सकते हो कि नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, जब कोई चीज़ ना तो बनाई जाए और ना मिटाई जाए, ऐसे की ऐसी रहे, तो उसको हम कंजर्व कहते हैं, ठीक है। तो मोमेंटम ऐसे का ऐसा कैसे रहता है ये हम देखेंगे। तो जब दो बॉडीज, कोई भी दो वस्तुएं एक्ट अपॉन वन एनदर, एक दूसरे के ऊपर एक्ट करती हैं, तो उनका जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। लेकिन इसमें एक शर्त भी है, जब दो बॉडी आपस में एक्ट करेंगी, आपस में उनके बीच में कोई एक्शन होगा, तो उनका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, लेकिन शर्त ये है, प्रोवाइडेड, ये वर्ड लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, प्रोवाइडेड शर्त ये है, नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं आपको समझ आएगा। मान लीजिए एक ट्रक है जिसका मास है M1, और मान लीजिए एक कार है जिसका मास है M2। अब ये ट्रक भी चल रहा है इस तरफ और कार भी इसी डायरेक्शन में चल रही है। मान लेते हैं जो ट्रक है उसकी इनिशियल स्पीड हम इस तरफ मान लेते हैं, हाँ इधर ही मान लेते हैं, ट्रक की इनिशियल स्पीड है U1 और कार की इनिशियल स्पीड है U2, ठीक है। अब इन दोनों की हो गई टक्कर, टक्कर मतलब कोलिजन, ठीक है, ये हो गया कोलिजन, कोलिजन मतलब टकराव हो गया दोनों का। अब आप मुझे बताइए इस टक्कर के बाद मास बदलेगा क्या? मास कभी भी नहीं बदलता, ट्रक का मास M1 ही रहेगा, कार का मास M2 ही रहेगा, लेकिन टक्कर होने के बाद दोनों की क्या चेंज हो जाएगी बच्चों? स्पीड। अब ट्रक जिस स्पीड से चल रहा है वो स्पीड है V1
और कार जिस स्पीड से चल रही है वो है वी टू, ठीक है। तो वो उनकी फाइनल वेलोसिटी हो गई, इनिशियल इनकी यू वन और यू टू थी। तो ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं ये बिफोर कोलिजन आप देख रहे हैं, ठीक है, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले। और ये वाली जो स्थिति आप देख रहे हैं दिस इज आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि टकराने से पहले जितना मोमेंटम इन दोनों का था, मतलब मास और स्पीड की मल्टीप्लिकेशन, टकराने के बाद भी उतना ही होगा। देखिए टोटल मोमेंटम टकराने से पहले क्या था, पहले हम ये देखेंगे। तो बताइए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है। मैंने क्या बताया था, मोमेंटम मास और वेलोसिटी की क्या होती है बच्चों, प्रोडक्ट। तो दिस ट्रक का जो मोमेंटम था वो था एम वन यू वन, और कार का जो था वो था एम टू यू टू, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम, दोनों का प्लस कर देंगे। आफ्टर कोलिजन अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल मोमेंटम क्या था तो ये भी हम निकाल सकते हैं। आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा, ट्रक का मोमेंटम बन गया एम वन वी वन और कार का जो मोमेंटम है वो बन गया एम टू वी टू। तो ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, हायर क्लासेस में आप और दूसरे एंगुलर मोमेंटम की आप बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन यानी एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ओके, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू। सो दिस इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि टकराने से पहले जो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का मोमेंटम था टकराने के बाद भी उतना ही रहेगा। इस चीज का हम डेरिवेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको निकाला कैसे जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, वो एप्लीकेशन भी आपने नोट करनी है, ठीक है, वो एप्लीकेशन भी आपने नोट करनी है। देखिए कैसे एप्लीकेशन की अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो पहली चीज़ तो वही है कि जो हम स्टडी करके आए थे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, कि रॉकेट और जेट्स जो होते हैं बच्चों वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। किस प्रिंसिपल पे, किस नियम पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि जो रॉकेट होता है उसमें जितनी तेज़ी से फ्यूल बर्न होने के बाद गैसेस जितनी तेज़ी से नीचे बैकवर्ड डायरेक्शन में निकलती हैं, उतनी ही तेज़ी से, उतना ही फास्ट रॉकेट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उतनी स्पीड के साथ जाता है। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को दिखाता है, ठीक है। दूसरी बात, मोमेंटम कंजर्व रहता है जब कोई बुलेट फायर की जाती है किसी गन से, ठीक है। मान लेते हैं कोई गन आपके पास ये है जिसका मास है 6 किलोग्राम और बुलेट जो है उसका मास है 10 ग्राम। अब ये बुलेट कहाँ से निकली, यहाँ से निकली है, ठीक है, इस गन से निकली है। मान लेते हैं कि जो बुलेट की स्पीड है वो कितनी स्पीड से निकली है, 300 मीटर पर सेकेंड से निकली है, ठीक है। तो गन जो है ये जाएगी पीछे की तरफ, हमने इसको पढ़ा था रिकॉयल स्पीड, ठीक है, रिकॉयल का मतलब होता है जर्क, एक जो झटका सा महसूस होता है इस गन में, ठीक है, जर्क होता है झटका। तो ये रिकॉयल वेलोसिटी कितनी होगी ये हमने निकालनी है। तो हम मोमेंटम का लॉ लगाएंगे, मान लीजिए कि जो गन है उसका मास है एम वन और मान लेते हैं बच्चों इसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो ये पीछे की तरफ आ रही है ये है यू वन और यहाँ पे मास है एम टू और जो ये स्पीड है दैट इज यू टू, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये बात हमने स्टडी की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, ठीक है। अब बात क्या है कि मास हमारा किलोग्राम में है 6, यू वन हमें नहीं पता, ठीक है, एम टू जो है जो ये 10 ग्राम दे रखा है इसके हम किलोग्राम बनाएंगे, तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों, 1000 मल्टीप्लाइड बाई यू टू आपका 300 है,
ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट करना है यू वन। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, हम आगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो यू वन हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या होगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो ये हो गया थ्री। यहाँ अगर यू वन हम कैलकुलेट करेंगे तो सिक्स जो मल्टीप्लाई में था थ्री के किस में चला जाएगा, डिवाइड में। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, वन बाई टू, या इसको कह सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी आपकी क्या, रिकॉयल स्पीड। तो यहाँ लिखेंगे रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी आवर आंसर। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी के साथ आपका ये चैप्टर बच्चों कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, ये रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन है जो आपने नोट करनी है।